अभी मैं बताऊंगा कि पीओएसआरटी बेस्ट क्यों है, ठीक है, जैसे ले कर रहे हैं, ठीक है, कोई पुलिस में डिफेंस में है वो भी सैलरी के लिए काम कर रहा है, कोई प्रीमियम करने जो टीचर है ना वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है, सही है, एक डॉक्टर सर्जरी क्यों कर रहा है पैसे के लिए, फ्री में सर्जरी नहीं करता वो, एक वकील एक नोटरी के लिए सिर्फ साइन के लिए 500 रुपए लेता है, कैसा है फ्री में कोई पैसे दिए आपको, मतलब हर एक इंसान एक साइन के लिए पैसा लेता है, सही है, पटवारी कोई होगा पूरा मत मानना पेपर में साइन करने के लिए पैसे लेते हैं, एक लैंड रिकॉर्ड को तो क्लियर करना है ना तो पैसे चाहिए उसके लिए, है ना, इनकम के लिए जाते नहीं करते, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी इंसान है ड्रेसिंग करने के लिए एक्स्ट्रा ड्रेसिंग करने के लिए पैसा लेता है, और कोई पैरलाइज इंसान है तो मालिक अगर हॉस्पिटल में अगर होते फ्री वो भी घर आके करे तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, वो घर आके क्यों करेगा फिर, पैसे के लिए कर रहा है ना, बस मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान क्या कुछ ना कुछ कर रहा है क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए, सही है, इसमें कोई बुरा नहीं है कि वो ज्यादा काम करे तो मतलब पैसा ले रहा है, नहीं उसको पैसे चाहिए इसीलिए काम कर रहे हैं, सही है ना, तो उसी तरह एक जरिया है डीओसॉर्ट भी एक जरिया है कि इसमें हम लोग काम करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा पैसा मिलेगा, अब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि डीओसॉर्ट सबसे बेस्ट क्यों है, ठीक है, अभी इंसान का दिमाग में ये है जो गवर्नमेंट मतलब क्या सिक्योरिटी सबसे पहली बात है, बोलते गवर्नमेंट सर्वेंट है बड़ी बहुत बढ़िया पर डीओसॉर्ट है बेकार है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट में क्या है सिक्योरिटी है, सही है, अब जो सिक्योरिटी कैसे है मुझे बताओ, सिक्योरिटी कैसे मुझे बताओ, क्या पेंशन अवेलेबल है, हाँ कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है क्योंकि गवर्नमेंट से मिली हुई है, क्या है अगर आप जब जॉब नहीं जाओगे आप लेटर लिख के दोगे आप छुट्टी मिलेगी आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन लिमिटेड सैलरी है ना, सैलरी लिमिटेड ही है ना, लेकिन डीएसओ के अंदर क्या है कोरोना आया सब लोग घर पे बैठे थे मैडम पेमेंट आया नहीं है आपका, विद प्रूफ के साथ मैं दिखा सकता हूँ कि ज्योति मैडम का पेमेंट आया, विद प्रूफ है मेरे पास कि गणेश का पेमेंट आया, एक तो सिक्योरिटी नहीं है, ये कोरोना में कहाँ गए थे, ये कोरोना में कहाँ गए थे, घर पे ही थे ना, सैलरी क्यों आया, सैलरी कैसे आया, क्या ये सिक्योरिटी नहीं है क्या, गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड है 60 उम्र तक, उसके बाद ये 60 उम्र भी चले जाएगा ना, जब तक जिंदा है ना सब पार कर लेगी ना तब इसको फिर पैसा आते रहेगा, अब बता सिक्योरिटी किसमें अच्छा है, बता सिक्योरिटी किसमें अच्छा है, किसमें अच्छा है, अच्छा है, एक बात है अभी सर्विस के लिए कहीं जाओगे आपका नॉलेज वहां पर देना पड़ेगा तभी उसके हिसाब से आपको सर्विस मिलेगी, कोई भी जॉब जैसा प्यून का जॉब करने जाओगे तो प्यून का आपको नॉलेज देना पड़ेगा हमें, मतलब एग्जाम लिखनी पड़ेगी सब कुछ देना पड़ेगा, लेकिन डीएसओ पे जब ज्वाइन किया तो कितना नॉलेज दिया आपने, सर्टिफिकेट जमा किया आपने, देखो खुद देना पड़ेगा कि मैं 10th पास हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसमें 10th पास सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, सही है, लेकिन उसके बाद आप जो है एक अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे आने वाले 10 साल के बाद, आपकी ट्रेनिंग सुनने के लिए ना बहुत लाइन है, जैसे आपने कितना 50 रुपये दिया ना सुनने के लिए, तो ऐसे 5,000-10,000 के लिए टिकट मिलती है, उससे जो अनपढ़ लोग ट्रेनिंग लगाते हैं आपके, अब यूट्यूब में मारे देखें मोटिवेटर्स का कोई बड़ा बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं है जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, नेटवर्किंग करके सिर्फ नेटवर्किंग करके जैसा डेवलप कर रहा है उसी तरह 10 साल 15 साल अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करता है और एक अच्छा मोटिवेटर बन जाता है, एक अच्छा मोटिवेटर का काम है कि ट्रेन देना, और एक टिकट की होती है कम से कम 10,000-20,000 रुपये, अब मान के चलो एक हॉल के अंदर कम से कम 200-300 लोग बैठ सकते हैं, आप खुद हिसाब लगा लो 200-300 लोग अगर 10,000-10,000 रुपये देंगे उसका इनकम कितना हुआ एक मोटिवेटर का, आप खुद कैलकुलेट कर लेना आपको समझ में आ जाएगी, तो फिगर आप जो है यकीन नहीं कर पाओगे, सही है, ये नेटवर्किंग का काम है, सही है, और मैं बोला था कि आपको घूमने फिरने का, क्योंकि बहुत लोग ये काम सब कर लेते हैं लेकिन घूमने के जैसे बिलिंदर मैडम है निकोबार जाने के बहुत दिन से प्रयास कर रही है छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, मुझे आप बैठ के पूछ लेना, पूछ मैडम आप निकोबार कब जा रहे हो, सर छुट्टी के लिए अप्लाई करना, छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, अभी तक उनको छुट्टी नहीं मिली, सिक्योरिटी कहाँ से हुई, घूमने फिरने का आगे हुआ, अभी मेरी मर्जी है मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी मर्जी कल मुझे घूमने जाना है तो कल टिकट बुक कर चले गया, किससे मुझे पूछना जरूरी है, कल के लिए टिकट बुक किया आज आज बुक किया कल बैग पैक में था और मैं कल घूमने निकल गया, कहने सर अभी घूमने गए थे बीच में, अरे किसको पता था किसको खुद के गए थे 10 दिन के लिए गए थे ना बाहर, हाँ 10-15 दिन के लिए गए थे ना, किसी पूछे भी नहीं, छुट्टी मिला टिकट निकाला निकल गए, छुट्टी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, इसको तो फ्रीडम टाइम फ्रीडम और घूमने की आज़ादी, समझ गया ना, अब मैं मतलब सर्विस अच्छा है कि रिसोर्ट अच्छा है, रिसोर्ट अच्छा है, बहुत लोग
बहुत सारे बच्चे जब स्कूल में थे उनको कुछ भी नहीं आता था बोलना, लेकिन आज रेट के अंदर वो सामने खड़ा होकर जो है हर एक चीज बोल लेते, हर एक चीज जो है सामने रखते हैं। लेकिन यही अगर 15-20 जो भी सर्विस कर रहा है ना, मान लो कोई भी सर्विस कर रहा है, उसको यहाँ पर आके बुला लो और जो बात करवा दो, आपको दो मिनट में पता चल जाएगा। भले बहुत अच्छे पोस्ट में भी है, मैडम बोलते बोल रहे थे सर मेरा जो काम है ना, मैं 1 लाख का काम करती हूँ, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में है, जो मैडम काम करती है लगभग जो है जो परफेक्ट साहब का काम करती है, क्योंकि परफेक्ट साहब का काम आता ही ना। अभी आप जो है रियल में देख लीजिएगा, म्युनिसिपल के अंदर सी ऑफिस के अंदर हर जगह पे काम कौन करता है, पंचायत में डेलीगेटेड वाले, जब जो वांटेड हुए हैं अभी उसको पूरा आप निकाल दो, इधर वो काम होगा कि नहीं होगा, आप खुद सर्च कर लो ना, काम नहीं होने वाला, सही है ना। तो उसी तरह के डिफर भी एक ऐसा चीज है जहां पर क्या लोग क्या अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं, जैसा मैं पहले बताई थी ना, सॉफ्ट स्किल को बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं, मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाते हैं, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं उसको बढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ सर बढ़िया डिफर बढ़िया है, अगर आप कहीं पर भी कोई बिजनेस करोगे कम से कम 10 लाख 15 लाख लगाओगे तो बिजनेस खड़ा हो पाएगा। सिर्फ 10 लाख, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर पैसे कमाने वाले नहीं है, बाहर ही पैसे कमाने वाले, लेकिन वहां पर के इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। जिनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है वही अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 हजार जो आपके पॉकेट में जो मोबाइल है ना उससे भी कम रेट वाली है, जो आपके पॉकेट में जो मोबाइल है उससे भी कम रेट वाली, क्योंकि 10 हजार आज में अच्छे मोबाइल नहीं आती है, यहाँ पर ही पता है, सही है ना, आज में नहीं आपको पता है। अगर उससे भी बहुत कम रेट के अंदर आप यहाँ से जो है अच्छी इनकम भी कर सकते हैं, अच्छी रेस्पेक्ट ले सकते हैं, अच्छा सिक्योरिटी ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आप सर्विस में रहोगे सिर्फ अपना इनकम कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते। अब वही रहेंगे, एक अच्छा डॉक्टर बन गया, वही अच्छा डॉक्टर अपने पोस्ट में अपने बच्चों को खड़ा नहीं कर सकता, खड़ा कर सकता है एक इंस्पेक्टर या अपने बच्चों के इंस्पेक्टर बना सकता है, वही लेंगे उस पोस्ट में खड़ा कर सकता है। एक अच्छा टीचर क्या अपने बच्चों क्या वही पोस्ट में खड़ा कर सकता है क्या, आप बोलो ना, अच्छा है। एक अच्छा ऑफिसर, एक डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर डायरेक्टर क्या अपने बच्चों क्या वही डायरेक्टर पोस्ट दिखा सकता है क्या, लेकिन डीएस ऑफ में क्या है वो काम कर सकते हैं। जैसा मेरा जो 4000 का टीम है, कितना 4000 की टीम है, इनकेस मुझे वो कुछ हो जाता है मेरा बच्चा 4000 मेरा नाम की जगह उसका नाम आ सकता है। अब मुझे बताओ अब मेरे कौन सा बढ़िया है, डिमांड बढ़िया है कि सर्विस बढ़िया है, बोलो सर्विस बेकार है, सर्विस करना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन और रिजेक्शन सही है ना, सेल करने वाले हर एक चीज जानते हैं, मार्केट में हर एक चीज आपको मिलेगी, आपका काम यह है कि आपको मतलब कौन सी चीज खरीदनी है, ऐसा तो नहीं है ना जो मतलब अच्छा है तो वही ले लेंगे, मार्केट आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है। अभी जो मुझे पसंद है तो वही तो उठाऊंगा ना जाके, जैसा जैसे बोला था ना कि अगर जो बैगन खराब है तो फिर देते हैं रिजेक्शन, अगर अच्छी चीज है तो हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं बुरा चीज को। अभी आप डिसाइड करो कि सर्विस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि सर्विस बेकार है, लेकिन ये बोल रहा हूँ ना क्योंकि सर्विस क्या है, कोई टेंशन नहीं है, कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है,
अच्छा स्पीक को आना चाहिए वो अच्छा नहीं है, हिंदी को आना चाहिए कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश को आना चाहिए कंपलसरी नहीं है, तमिल है तो तमिल में प्लान कर सकता है, तो तमिलनाडु बहुत बड़े एरिया है उसका मतलब काम कर सकता है। जब तेलुगु आता है तो तेलुगु में काम कर सकता है, सिर्फ निकोबार ही आती है इनको तो निकोबार में भी तो काम कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी है कि इसको ये भाषा ही आना चाहिए, सही है ना। तो ऐसा इसमें फ्रीडम है, तो मुझे बताओ कि कौन सा बढ़िया है, समझ गया अभी आपको। तो ये फैक्ट था, अगर जब समझ गया वो कर लेंगे, मैंने जैसा जो भी बोला था ना आप सुन लेना उसको, ठीक है ना, समझ गया अभी। यस सर। तो इसी तरह क्या है, क्योंकि हर एक इंसान खुद को सर्वे करना चाहता है, तो ड्यूसर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है बहुत कम अमाउंट लगाकर जो है अच्छे सपोर्ट सिस्टम के कारण, क्योंकि आप जॉब मिल जाएगी तो सेल्फ का काम ही करना पड़ेगा, सही है ना, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको कंटिन्यूसली हेल्प आपको मिलते रहेगा, आप खुद भी काम करोगे, आपको सपोर्ट नहीं, आपको सिखाने के लिए, आपका प्लान करने के लिए, आपका साथ देने के लिए कंटिन्यूसली। लेकिन हम क्या करते हैं, एक या दो दिन हेल्प लेते हैं, बाद में कभी क्या काम को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कंपनी बेकार है, बाइक की सब्जी लेते हो ना तो तुरंत बनाना पड़ता है, सही है ना। अगर मच्छी लोगे तो तुरंत बना के फिर काम करोगे तो फिर उसको फ्रेश आपको मिलेगा, लेकिन पाँच दिन छह दिन के लिए रखा कहीं कोने खाने में, फिर निकाल उसको बनाने के लिए, तो क्या मिलेगा आपको, खराब वाला मिलेगा। तो बोलो जिसने डिब्बी किया वो क्या खराब था, नहीं, जब आपको मिला था वो अच्छा था, लेकिन उसका यूज आप सही तरीके से आप कर नहीं पाए। उसी तरह क्या डिओसॉर्ट जो है सबसे बेस्ट वे है, लेकिन हम तो सही तरीके से अगर यूज नहीं कर पाएंगे वो बेकार हो जाएगा। हर एक चीज, हर एक चीज जो है जो आप जो खरीदोगे, जैसा बिस्किट खरीदोगे ना वो अच्छा मिलेगा, अब उसकी वैलिडिटी खराब हो जाएगी। तो जो हम ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं ना, ब्रेड यूज करते हैं ना, ब्रेड अगर फ्रेश वाले आज का डेट वाले होगा तो अच्छा मिलेगा, अगर एक्स्ट्रा हो जाओगे तो क्या आप उसे देसी पकड़ोगे ना तो पीस पीस निकलते रहेगा आपके हाथ से, आपके हाथ में रहेगा भी नहीं, जैसे उसको उठाओगे क्या होगा, पूरा पाउडर पाउडर हो जाएगा, मतलब वेस्ट हो गया ना, मतलब सही समय पर क्या आपने सही इसको यूज नहीं किया। तो हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, उसी तरह क्या डिओसॉर्ट में भी अगर सही तरीके से इसको यूज किया ये बहुत अच्छा, क्योंकि इनके पास कार है, इनके पास कार है तो आपके पास क्यों नहीं आएगी, जब इन्होंने तीन लगा चीज दिया तब इन्होंने डेढ़ लगे और जब तीन लगा चीज दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ एक जो है 12 से पढ़ने वाला इंसान, सिर्फ विजय 20 साल का लड़का है, जब 5 लाख की कार ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते, सही बात। अब कुछ सोच के देखो ना, पता है हर एक इंसान के लिए 12, क्योंकि इन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि इन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया और सही तरीके से यूज किया। जो इंसान सही समय डिसीजन तो लेते हैं बहुत लोग, लेकिन सही समय से यूज नहीं कर पाते तो उनके लिए क्या वो खराब हो जाती है। जब खराब वाला क्या चीज़ है, हम लोग क्या हमेशा किसको खराब ही देखते रहते हैं, पता ही कभी हम लोग देख सकते हैं, जो सही यूज किया वो सही बहुत बड़े काम चल रहे हैं, जो खराब वाला बताए तो बेकार हो गया, सही है ना। तो डिसीजन अभी आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, जो डिसीजन आप खुद लीजिएगा, क्योंकि किसी को डिसीजन रखने वाले क्यों काम जो है बेकार हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने सबसे मुझे 40 मिनट दिया, 40 मिनट का मतलब ये आपको 40 मिनट तक यही होगी। अगर किसी को ऐसा बुरा लगा होगा मेरा बात को लेके, अगर किसी को अगर मान कर मैंने कुछ बोला उससे कुछ बुरा लगा हो, क्योंकि सर्टिफिकेट हो सकते हैं, ठीक है, अगर उनको मेरी बात अगर बुरी लगी होगी तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि फैक्ट तो यही है, ठीक है। लेकिन सही समय में सही डिसीजन लेने वाले इंसान आगे बढ़ता है, लेट डिसीजन लेने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो डिसीजन आपको करना है कि डिसीजन तुरंत लेना है कि लेट से लेना है। थैंक यू वेरी मच।